तो दोस्तों फाइनली आप लोग कमेंट करते थे कि भाई आपके साउंड आ नहीं रहा है, आप जो वीडियो बनाते हो उसमें साउंड क्वालिटी है नहीं। तो फाइनली मैंने एक बोया का माइक खरीदा है जो कि ऑनलाइन खरीदा है अमेजोन से, वो मुझे पड़ा है 679 रुपए का, 679 का। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो बिना माइक के रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा वॉइस कैसी आ रही है। और एक बार जब ये हम अनबॉक्सिंग कर लेंगे तो इसकी माइक मैं ना इस कैमरे में लगाऊंगा और फिर आपसे मिलने बात करेंगे कि इसकी वॉइस कैसी आ रही है। तो दोनों का डिफरेंट मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि अधिकतर जितने भी यूट्यूबर होते हैं ना दोस्तों, वो अधिकतर इनके उनके पास बोया का माइक होता है। हालांकि मेरे पास भी बोया का माइक मैंने भी परचेज कर रखा है, लेकिन मैंने कर रखा था वायरलेस वाला जो इतने लंबा होता है। मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, इस टाइप का मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था। अब मैंने ये करा है अमेजोन से बोया का माइक करा है जो कि वायर वाला है, और आप देख सकते हो बोया बाय M1। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे आज। तो अमेजोन से मंगवाया, आपको भी अगर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके परचेज कर सकते हो और जैसा आपको ठीक लगे। तो ये अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये सब कुछ मिला है हमें मैनुअली, तो मैनुअल को हम साइड में रख लेते हैं। इसको भी बोया का स्टिकर मिला हुआ है, तो इसको भी देख लेंगे, कहीं लगाना होगा तो लगा लेंगे, अदरवाइज इसको साइड में रखते हैं। और ये निकालते हैं अपनी बोया की माइक। ये देखो वायर काफी लंबी होती है दोस्तों इसकी, क्योंकि ये मैंने यूज कर रखा है, हालांकि वो मेरा नहीं था लेकिन मैं यूज कर रखा है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसकी वायर देखो कितनी लंबी है, और इसमें हमें ये मिल जाता है, ये पता नहीं क्या है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना, मुझे तो आज तक नहीं पता चल पाया ये होता क्या है। और ये पता नहीं ये क्या है भाई, अच्छा ये बोया का सर्टिफिकेट है कुछ ऐसा कुछ है, समझ में नहीं आ रहा। ये भी साइड में रख देते हैं। और इसमें भी पॉलिथीन में भी कुछ कुछ दे रखा है, इसको खोल लेते हैं पहले। तो इसमें आई थिंक ये बैटरी होगी और इसकी क्लिप होगी, तो ये रहा, इसको भी खोल लेते हैं एक बार। ये देखो, तो ये दोस्तों ये इसमें यहां पर लगाने के बाद फिर आप अपने इसके कॉलर में या शर्ट के कॉलर में कहीं पर भी आप ये लगा के हैंग कर सकते हो इस माइक को। तो इसको भी रख देते हैं। और क्या मिला है, ये मिला हुआ है, ये मोटा जैक है, ये अपने मिलता है इसका, तो मैं इधर पे लगा देता हूं। ये देखो ये लग गया, अब इसको भी हम इधर लगा लेते हैं। ये देखो दोस्तों ये हो गया तैयार। अब यहाँ पर हम अपने शर्ट के यहाँ पर हैंग कर लेंगे। और इसमें साथ ही साथ एक बैटरी भी दिया गया है, जो कि ये बैटरी इसमें लगेगी, ये इसमें लगेगा ये बैटरी। इसको खोल लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं बैटरी। ये देखो बैटरी लग गई दोस्तों। और यहाँ पर है ना एक स्विच दे रखा है, बटन दे रखी है, कैमरे में यूज करना है तो आप ऊपर स्लाइड कर दोगे, ये कैमरे में वर्किंग करेगा। एंड्रॉयड में करने हो तो नीचे कर दोगे तो एंड्रॉयड में वर्किंग करेगा। तो अब दोस्तों ये जो आवाज, जो जितना भी आप मेरे से मिले हो, जितना भी आपने मेरी बात सुनी हो, हालांकि कमरा बंद है, कमरे में कोई भी नहीं है, पंखा भी मैंने बंद कर रखा है, आप क्वालिटी देख सकते हो कि बिना माइक के इसकी क्वालिटी क्या कैच कर रहा है। अब मैं लगाता हूँ इस कैमरे को और मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों मैंने बोया का माइक यहाँ लगा लिया, इंस्टॉल कर लिया है, आपको दोनों में डिफरेंट पता चल रहा होगा। अभी जो साउंड सुन रहे हो ये बोया के माइक से सुन रहे हो, और मैंने जो अनबॉक्सिंग करी इस बोया माइक की, वो आपने उसकी वॉइस देखा और इसका वॉइस देखा, दोनों में डिफरेंट आपको पता चल रहा होगा। अगर आपको ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, मार्केट ब्लॉग भी बनाता हूँ, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भाई आप देख लो, जान लो, समझ लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, को इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।